यहाँ पर इतनी भीड़ गंगा के किनारे आपने कभी नहीं देखी होगी। लोग कहते हैं कि आइए ना हमारा बिहार में, लेकिन आइए ना हमारा बिहार में, कट्टा नहीं कलम थमा देंगे आपके हाथ में। आज एक नया इतिहास नहीं ब्रह्मांड लिखने का प्रयास जो है इसके झा सर ने किया है। आप जिस रेल में बैठिएगा उस रेल को यही बच्चे चला रहे होंगे। आज कितने बच्चे हैं सर? 15,000 प्लस बच्चे। यहाँ पर जो है क्वेश्चन पेपर की बटाई जो है वो शुरू हो गई है। ये कोई पॉलिटिशियन के लिए भीड़ इकट्ठा नहीं हुई है, ये शिक्षा के प्रति भीड़ इकट्ठा हुई है। आप ये मोहब्बत 1 करोड़ में नहीं खरीदा जा सकता है। एकरा लिए गर्दन काटना पड़ेगा तो हम अपना काट के भसा देंगे। अरे माँ गंगा की गोद में इन बच्चों का भविष्य उज्ज्वल करने का प्रयास आप कर रहे हैं। सर ये मेरा प्रयास यही है कि गंगा की पवित्रता को शिक्षा की पवित्रता से मिलाना। जितने भी बच्चे हैं इनसे 1 रुपया भी नहीं चार्ज कर रहे हैं। 1 रुपया भी चार्ज नहीं कर रहे हैं। एग्जाम देने के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया। 1 रुपया भी नहीं। कोई पॉलिटिकल भीड़ इकट्ठा नहीं हुई है। इनके इंटरटेनर भी हम ही हैं और इनके मोटिवेटर भी हम ही हैं और इनके टीचर भी हम ही हैं। अभी हम पटना के NIT घाट पर हैं और यहाँ पर जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं ये सारे इसके झांसर के बच्चे हैं। और आज रेल राजा ने बच्चों की रेल बना दी है। यहाँ पर आज एक नया इतिहास नहीं ब्रह्मांड लिखने का प्रयास जो है इसके झा सर ने किया है। और सारे रेलवे के बच्चों ने यहाँ पर एक साथ बैठकर ये बताया है कि आने वाले एग्जाम में जो है वो इसके झा सर का डंका बजने वाला है। बजेगा या नहीं बजेगा? और हमको लगता है कि इसके झा सर जो है वो अपना ही रिकॉर्ड एक बार तोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि इससे पहले जो है यहाँ पर इतनी भीड़ गंगा के किनारे आपने कभी नहीं देखी होगी। और आज ये 10-15 हजार बच्चों की भीड़ ये बता रही है कि इसके झा सर कुछ बिहार के अंदर नया करने वाले हैं शिक्षा के क्षेत्र में। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। गर्दा उड़ा दिए है रेल राजा ने, यार रेल बना दिया। हाँ ये तो बच्चों का प्यार है। सारे बच्चे रेल से आए हैं क्या? सारे बच्चे रेल से रेल में जाने वाले हैं। आप जिस रेल में बैठिएगा उस रेल को यही बच्चे चला रहे होंगे। एकदम विश्वास के साथ आप बैठिएगा, आपको एकदम कुछ नहीं होगा। कहाँ से ले आई 10-15 हजार बच्चों की फौज आपने? अब पूरा भारत में जितना भी बच्चा तैयारी कर रहा है, लोग कहते हैं ऐसा कि रेलवे का तैयारी करना है मतलब पटना जाना होगा। अगर आप देखिएगा UPSC का तैयारी करना है तो मुखर्जी नगर जाना होगा, लेकिन अगर रेलवे की तैयारी करना है तो पटना आना होगा। वो भी इसके झा सर के आना होगा। नहीं नहीं ये तो बच्चों का प्यार है। बट हम अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि जो उनके जो चीजें उनके लिए जरूरी है वो चीजें उनको प्रोवाइड करवाएं, उसके लिए बच्चे हमें प्यार देते हैं। माँ गंगा के किनारे माँ गंगा की गोद में इन बच्चों का भविष्य उज्ज्वल करने का प्रयास आप कर रहे हैं। मैंने पिछले साल भी देखा था आपने जो है हजारों बच्चों को एक साथ यहीं पर बिठाकर इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की थी। आज फिर माँ गंगा के किनारे बैठकर इनके लिए आशीर्वाद आपका ये मांग रहे हैं। क्या लगता है कि आने वाले समय में बिहार के देश के भाग्य विधाता बनेंगे या नहीं बनेंगे? एकदम 100% बनेंगे। और ये जो मेरा प्रयास है ये मेरा प्रयास यही है कि गंगा की पवित्रता को शिक्षा की पवित्रता से मिलाना और बच्चों के बीच एक उल्लास पैदा करना, क्योंकि ये 6x3 के कमरे में रह के बहुत बोर हो जाते हैं। तो इनके इंटरटेनर भी हम ही हैं और इनके मोटिवेटर भी हम ही हैं और इनके टीचर भी हम ही हैं। तो आज हम लोग तीनों काम करने वाले, एंटरटेनमेंट मोटिवेशन और टीचिंग, तीनों चीजें होंगी और हम लोग खूब मस्ती करने वाले हैं और खूब मन लगा के टेस्ट देने वाले। बिहार के 3800 जिलों से यहां से छात्र और छात्राएं एक साथ बैठकर आज ये टेस्ट देंगे। नहीं बिहार के नहीं, पूरे भारत के। अच्छा पूरे देश को आपको हम एक दृश्य दिखाते हैं। कितने बच्चे आउट ऑफ स्टेट वाले हैं एक बार जो हाथ खड़ा कर दो। मतलब ये जितने लोग हाथ उठा रहे हैं ये आउट ऑफ स्टेट वाले हैं। मेरे पास 40% बच्चे बिहार के बाहर के हैं। मतलब बिहार लोग क्या करने आएगा। और सबसे बढ़िया काम करने आ रहा है जो है शिक्षा, शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। ये हमारे बिहार के लिए गर्व की बात है और इसको हम लोग बचाएंगे, खूब मेहनत करेंगे और मन लगा के करेंगे और अपने बिहार का नाम रोशन करेंगे। ये आज मुझे गर्व हो रहा है, ये कोई पॉलिटिशियन के लिए भीड़ इकट्ठा नहीं हुई है, ये शिक्षा के प्रति भीड़ इकट्ठा हुई है। और हमको लगता है कि इसके झा सर जैसे लोग जो है अध्यापक जब तक इस बिहार की धरती पर शिक्षा की क्रांति जगाएंगे तब तक जो है ऐसे छात्र और छात्राएं एक साथ एकत्रित होकर अपने भविष्य को बेहतर बनाएंगे। बनाएंगे नहीं बनाएंगे? 100%। आज कितने बच्चे हैं सर? हम तो गिने नहीं है, फिर भी आइडिया अनुमान पता है। अब कोई गिन नहीं सकता है, अनलिमिटेड है। हमको लगता है देख रहा हूँ पूरा घाट आपने भर दिया है। अप्रोक्स 15,000 प्लस बच्चे हैं। मतलब अपना ही रिकॉर्ड आपने तोड़ दिया। आप उधर जाइएगा तो कहाँ तक बच्चे बैठे हुए हैं पता नहीं चल रहा। एक बार आप लोगों का शोर बताना चाहिए कि कितना लोग हैं यहाँ पर। एक बार ये शोर, ये शोरगुल और ये आवाज बता रही है
कि ये दमखम के साथ आज टेस्ट देंगे। किस प्रकार का टेस्ट है यहाँ पर सर? ये आज रेलवे का टेस्ट है और रेलवे का ओरिजिनल पेपर का टेस्ट है जो GDC में हुआ था उसका ओरिजिनल पेपर का टेस्ट है। बच्चे बहुत उत्साहित है इसके लिए। आप जो है कई दिनों से जो है इसका प्रयास कर रहे थे, मेरी बात जब आपसे हो रही थी तो आपने कहा कि ये जो है राष्ट्रीय स्तर का टेस्ट होने वाला है और कई दिन से आप प्रयासरत थे, फिर आपने कहा कि जितने बच्चे आज आएंगे उतने बच्चों के लिए हो सकता है कि कोई कॉलेज या कोई जो है कैंप खाली ना बचे, तो जो है ये यहाँ पर आपने कंडक्ट किया। देखो उसका बस एकमात्र रीजन है कि इतना बड़ा हॉल पूरे भारत में कहीं नहीं है, इतनी बड़ी जगह पूरे भारत में कहीं नहीं है। एक तो फिर अगर कहीं कुछ नहीं मिलता है तो हम लोग माँ के गोद में आते हैं, अब माँ के गोद में आ गए, जगह भी मिल गया, बैठ भी गए और माँ के आंचल में इस पवित्रता को अंजाम भी दे देंगे। SK झा सर जो है यहाँ पर अपने छात्रों छात्राओं को आज सुबह सुबह जो है बुलाते हैं कि आइए आप लोग जो है टेस्ट दीजिए, और एक बुलावे के बाद ये भीड़ बता रही है कि शिक्षा का स्तर बिहार के अंदर क्या है, और ये एक शिक्षक के लिए इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है कि बिना पैसा दिए, बिना जो है रुपया दिए, बिना कुछ दिए हुए जो है आपके एक बुलावे पर ये लोग आ गए और इनका भविष्य उज्ज्वल होगा, साथ में बिहार का भी भविष्य उज्ज्वल होगा। देखिए एक बात कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि आइए ना हमारा बिहार में। आप देखिएगा बॉलीवुड ने इस छवि को खराब करने की कोशिश की है जी। लेकिन आइए ना हमारा बिहार में, कट्टा नहीं कलम थमा देंगे आपके हाथ में। क्या बात है सर। हम देखते हैं अक्सर आप जब पढ़ाते हैं तो शायरी वरी बड़ा कम मारते हैं, दिल टूटा भी शायरी नहीं मानते, दिल जुड़ा भी शायरी नहीं मारते हैं, फिर भी जो है इतना फैन फॉलोइंग मतलब कमाल है सर। मतलब ये शिक्षा के प्रति और एक शिक्षक के प्रति ये प्यार जो है हिंदुस्तान में मैंने कहीं नहीं देखा बिहार के सिवा। कैसा लगता है इतनी फैन फॉलोइंग देखकर आपको? देखिए शिक्षक को आदर्शवादी होना चाहिए जी, और वो अगर शायरी करने लगेगा, वो अगर कंट्रोवर्सी में उलझने लगेगा तो ये काम उनका नहीं है, वो पॉलिटिक्स करने लगेंगे, ये काम उनका नहीं है। जिनका जो काम है उनको वही करना चाहिए, और अगर पता चला बिजली मिस्त्री से आप लकड़ी का काम करवाइएगा तो नहीं होगा। हमारा जो काम है हमको वो करना है, जिनका जो काम है उनको वो करना है। हमारा काम हमको मुबारक, उनका काम उनको मुबारक। और कहते हैं दोस्त मेरे कि एक मूवी का डायलॉग था कि जिंदगी तीन चीजों से चलती है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। हम कहते हैं जिंदगी तीन चीजों से चलती है, कंटेंट कंटेंट और कंटेंट। वाह सर जो है यहाँ पर सारे बच्चे हैं, हमको लगता है कि इसमें किसी के पिताजी दरोगा DM SDM IAS PCS नहीं होंगे, सारे जो है बच्चे ये मध्यम वर्ग से हैं, जो है या तो फिर जो है किसान परिवार के होंगे या मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, और फिर भी जो है क्या लगता है कि जिस प्रकार से आप लोग शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं, धरना हो प्रदर्शन हो, मैंने देखा ग्रुप D और RB NTPC के लिए आपने जो है बहुत सारा संघर्ष किया, तो इनके लिए संघर्ष करना उचित रहता है? मतलब आपको क्या लगता है कि बेहतर कर रहे हैं आप? मोहब्बत एकाध करोड़ में नहीं खरीदा जा सकता है। एकरा लिए गर्दन काटना पड़ेगा तो हम अपना काट के भसा देंगे। दोस्त मेरा चैनल ब्लॉक हो गया और लग रहा था इनका चैनल ब्लॉक हो गया जी, मैंने देखा। इतना प्यार दिए थे बच्चे जब ALP के समय में जब आंदोलन हुआ था। आप ये समझिए इस मोहब्बत को लोग अरबों रुपया दे के नहीं खरीद सकता है। आप किसी कितनों अमीर है ना तो पैर छुके कोई प्रणाम नहीं करता है, लेकिन ये बच्चे इतना रिस्पेक्ट करते हैं। आइए ना हमारा बिहार में, दिखाएंगे शिक्षक और गुरु के बीच क्या संबंध होता है। मैं मंजेश से कहूंगा एक बार शुरू से कैमरा वहां से जूम करके दिखाइए और बताइए कि आज पटना के NIT घाट पर कोई पॉलिटिकल भीड़ इकट्ठा नहीं हुई है, बल्कि ये भीड़ शिक्षा में एक क्रांति की अलख जगाने के लिए इकट्ठा हुई है, और ये सारे जो छात्र और छात्राएं हैं ये बिहार ही नहीं अपितु देश के अन्य अन्य कोनों से पटना में एकत्रित हुए हैं, SK झा के संरक्षण में एकत्रित हुए हैं, और सर के संरक्षण में ये जब तक बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे हमको लगता है कि ये जो है अपना भविष्य बेहतर करेंगे। सर ये जो टेस्ट पेपर आप ये पेपर दे रहे हैं एग्जाम वाला क्वेश्चन सीट दे रहे हैं ओमेर सीट, ये इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन है? ये ओरिजिनल रेलवे का क्वेश्चन है और ये कंप्लीट बिल्कुल फ्री है, किसी को कोई फीस नहीं देना। अच्छा, इसमें जितने भी बच्चे हैं इनसे एक रुपया भी नहीं चार्ज करेंगे? नहीं, एक रुपया भी चार्ज नहीं करेंगे। एग्जाम देने के लिए एक रुपया भी नहीं दिया? एक रुपया भी नहीं। और कितना देर एग्जाम चलेगा ये? अभी 1.5 घंटा एग्जाम चलेगा। 1.5 घंटा में इनको कितना क्वेश्चन हल करना होगा? 90-75 क्वेश्चन हल करना, पूरा जैसे रेलवे में एग्जाम होता है उसी तरीके का आपने कंडक्ट किया। आप देखिएगा क्वेश्चन में क्वेश्चन कंप्लीट सील पैक मिलेगा, बच्चे जैसे एकदम
शानदार सा सील मिलेगा और बहुत सुंदर सा क्वेश्चन हमने बनाया। और इसके बाद जो है इसका आप लोग जांच करेंगे, फिर इनको इनका मार्क बता देंगे। चलिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन पेपर की बटाई जो है वो शुरू हो गई है और ये भव्य दिव्य रम्य नजारा माँ गंगा के किनारे से हम लोग पूरे बिहार के लोगों को, पूरे देश के लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे थे। और सर के संरक्षण में ये सारे बच्चे बैठकर अपने उज्जवल भविष्य को बेहतर बनाने के लिए परिकल्पना कर रहे हैं। सर, बात करने के लिए और इतना बेहतर एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, टेस्ट कंडक्ट करने के लिए बहुत सारा शुभकामना। और आपको भी शुभकामना इसलिए दे रहे हैं गुरु जी कि आप अच्छी चीजें परोस रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो जब लोग देखेंगे इससे प्रेरणा लेंगे कि हम लोगों को भी कुछ अच्छा करना है। अगर आप अच्छे लोगों को जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको रिस्पेक्ट दिलाएंगे और वो दिलाने का काम आप करते हैं, तभी तो लोग अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।